Hello children, today I am here with you all with a new topic. You don't have to do this in your drawing topic. आपको ये अपने drawing copy में नहीं करना है, बस आपको ये जानना है कि आपको इसको करना कैसे है. Okay? Now you can see, join the dots and color it. What you have to do? You have to join these dots. ये dots बना हुआ है, आपको इसको ट्रेस करना है, ये डॉट्स को ज्वाइन करना है एंड देन आपको पता चलेगा कि ये क्या है. फिर आपको ये अपने पसंद के कलर से कलर करना है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ ज्वाइनिंग द डॉट्स. यू हैव टू मेक दीज लाइन्स लाइक दिस. आपको ये दिख रहा है, ये एक स्लैंटिंग लाइन है ना. तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम हियर मेकिंग अ स्लैंटिंग लाइन लाइक दिस. See, I am joining the dots. Now, again a slanting line, top to bottom. Then, see, you have to join these dots and these will form a sleeping line. You can see. Now, again, there are some dots. You have to join like this. Now, next. This is again a slanting line top to bottom like this. Now bottom to top, you have to draw this line and join the dots like this. Again a slanting line, once again bottom to top, then draw this line from here. And now next and the last sleeping line will make a star. Can you see? क्या बनाइए? Yes, this is a star. Now you can choose any color. आपका जो भी पसंद का color हो आप वो लेंगे और आपको कलर करना है. सो आई एम टेकिंग अ रेड कलर. नाउ यू विल कलर दिस स्टार विथ योर फेवरेट कलर लाइक दिस. आई होप यू ऑल रिमेंबर दैट वी हैव टू कलर इन ओनली वन डायरेक्शन एंड इनसाइड दिस आउटलाइन. ओके, आपको याद होगा मैंने आपको बताया है पिछले वीडियो में कि आपको इस आउटलाइन के अंदर अंदर कलर करना है और एक ही डायरेक्शन में. आप देख सकते हैं मैंने इधर से इधर ही कर रहे हैं कलर. ओके, ठीक है. आप इस तरह से कलर नहीं करेंगे. अगर आप इस तरह से कर रहे हैं तो आपको इस तरह से ही कलर करना है. ठीक है, ये देखो आप कलर बाहर नहीं निकालेंगे, एक ही डायरेक्शन में कलर करेंगे और आप बहुत ध्यान से कलर करेंगे ताकि कलर आपके आउटलाइन से बाहर नहीं जाए. ओके, आप देख सकते हैं एक ही डायरेक्शन में कलर करने से ये स्टार कितना सुंदर दिख रहा है. अगर आप इसको अलग अलग डायरेक्शन में करेंगे तो ये अच्छा नहीं दिखेगा. तो आपको अपने स्टार को सुंदर से कलर करना है ताकि ये सबसे सुंदर दिखे, है ना. आप देख सकते हैं ये कलर, इसको आप अगर इस तरह से कर रहे हैं तो आपको इस तरह से ही कंटिन्यू करना है एक ही डायरेक्शन में, तो आपका ये स्टार बिल्कुल सुंदर दिखेगा. फिर आप इसको इस तरह से इस डायरेक्शन में कर सकते हैं. आप जब भी करेंगे एक ही डायरेक्शन में करेंगे. अगर ऊपर से नीचे कर रहे हैं तो ऊपर से नीचे ही करेंगे और अगर आप लेफ्ट टू राइट कर रहे हैं तो लेफ्ट टू राइट ही करेंगे. ठीक है, ये आउटलाइंस को आप इस तरह से कलर कर सकते हैं और आपको पूरा पिक्चर फिल करके कलर करना है. आपको कहीं पर भी छोड़ना नहीं है.
कहीं पे भी वाइट नहीं दिखना चाहिए, आपको पूरा कलर करना है, ठीक है। नाउ यू कैन सी आई हैव कलर्ड द स्टार विथ अ रेड कलर नाइसली इन वन डायरेक्शन एंड अलॉन्ग विद द आउटलाइंस, ठीक है। आपको भी इसी तरह से सीखना है कलर करना, ओके। आपको ये अपने कॉपी में नहीं करना है, आपको ये ड्राइंग कॉपी में नहीं करना है, बस आपको ये सीखना है कि आपको कलर किस तरह से किया जाता है, और जो हमने डॉट्स को ज्वाइन करके स्टार बनाया है वो भी आपको सीखना है। थैंक यू।